बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दिन का आगाज़ हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आपका और मेरा दिन अच्छा गुजरे और इसमें जो करने वाले काम है खैरियत से हो जाए। तो इस तरफ हैं जी हमारी सब्ज़ियाँ, माशाल्लाह बेहतरीन और अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो ये हैं मूंगरे, तो ये तो मैं इतने अच्छे से खाता नहीं हूँ लेकिन खूबसूरत लग रहे हैं इनके फूल जो हैं, माशाल्लाह। तो इस तरफ हमने लगाए थे टमाटर जिसको हमने ढांप दिए थे छड़ियों की मदद से, सर्दी से महफूज रहें। तो ये छड़ियां उतारते हैं, अब ठंड भी तकरीबन ख़त्म हो गई है तो इनको निकालते हैं, उनकी हालत भी देखते हैं कैसे खड़े हुए हैं। तो ये हैं जी हमारे टमाटर के पौधे, बड़े सारे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ीद बड़े हो रहे हैं। तो एक दो पौधे हैं जिन पे फूल लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पौधा है ना, इस पे फूल बनना शुरू हो गए हैं। तो ये आपको फूल नज़र आ रहा होगा पीला सा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाली छड़ियाँ जो है मैंने निकाल के रख दी हैं, शाम को ले जाएंगे घर जलाने के काम आ जाएंगी। तो फ़िलहाल चलते हैं, गंदम को पानी लगाना है तो वो जाके लगा के आते हैं। इस तरफ जो है हमारे प्याज हैं जो कि बड़े सारे हो गए हैं और मज़ीद भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिनों तक हमारे घर के अपने प्याज होंगे। तो ये वाली गंदम हमारी है तो इसमें पानी लगाना है। पानी जो है इधर आया हुआ है, किसी और ने अपनी ज़मीन में लगाया हुआ है, उधर से मुकम्मल होता है तो मैं अपनी ज़मीन में लगा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये वाला खाला जो है वहाँ से आ रहा है और पानी जो है आगे जा रहा है, हमारी ज़मीन इस तरफ है, हम यहाँ पर बंद करेंगे और पानी इधर चला जाएगा। ये वाली खाद की एक बोरी जो है ये भी डालेंगे, एक और केमिकल है महलूल सा है वो भी इसमें डालेंगे। खाद जो है ला के रख दी है, अभी जा रहा हूँ ड्रम लेने के लिए जिसमें खाद डाल के ना उसको मिक्स करेंगे पानी के साथ, उसके बाद उसकी जो टूटी है वो खोल देंगे। खाद का जो महलूल बनाना था वो बना के मैं आ गया हूँ गंदम को चक्कर लगाने के लिए, इसकी हालत को देखने के लिए कुछ बेहतर है कि नहीं है। पानी जो दूसरा किसान ने लगाया हुआ था वो पूरा हो गया तकरीबन, तो जाके अपनी ज़मीन में भी लगाते हैं। पानी लगाए हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं तो जाके चेक करते हैं कितना हुआ है, कितना रहता है। तो अगर थोड़ा सा रह गया और होगा तो उसको बंद कर देंगे, वो बाद में पूरा हो जाएगा। अगर ज़्यादा रहता है तो कुछ देर और भी पानी जाएगा उसमें। तो यहाँ तक पानी पहुँच गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 3 हिस्से हो गए हैं तो एक हिस्सा जो है वो रहता है। 10-15 मिनट और पानी आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह बंद करेंगे। जो पीछे पानी आ रहा है ना उसकी वजह से ये जो आगे रहता है ये पूरा हो जाएगा।
पानी जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। ड्रम, बाल्टी, जो सामान वगैरह है सब लेके चलते हैं घर। नमाज जोहर का टाइम भी जा रहा है, जाके नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ नहीं पढ़ी है। पानी लगा के जब वापस घर आया था तो मुझे पता चला हमारी बकरी ने दो बच्चे दिए थे, उनमें से एक जो है वो मर गया है और एक जो है वो रह गया। तो अल्लाह ताला आजमाता है इंसान को, कभी माल दे के कभी औलाद दे के। तो हर हाल में सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के दिन के काम जो हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हो गए, तो ये ज़िंदगी में काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। इस उम्मीद के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने ज़ुमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नई सुबह में। अल्लाह हाफिज़।